तो डिसेबिलिटी का जो अंतर है वो कम करेंगे, पैसा देंगे, इक्वल एमएसपी की भी बात कही है, दबे सुर में कही है, वन रैंक वन पेंशन की तो उन्होंने खुले में कहा। सैनिक जो है आगे बढ़ना चाहता है, अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है, भय लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मेरे के बीच में सैनिकों के बीच में भारी नाराजगी है क्योंकि केंद्र सरकार को जो इसका जवाब दिया जाएगा ये सैनिकों ने ठान लिया है। बहन दोस्तों, आखिर जवानों को वन रैंक वन पेंशन क्यों नहीं मिल रही? आखिर ये मीडिया सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार और प्रसार कर रही है? आखिर क्यों ईवीएम के ऊपर बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? दोस्तों, हमारे जवानों की मांगों को लेकर आज हमारे साथ रूबरू हुए कैप्टन बालकराम शर्मा साहब हैं, जो हिमाचल प्रदेश यूनाइटेड फ्रंट के वाइस चेयरमैन हैं। आज मैं उनको आपके सामने लेके आया हूँ, उनसे बहुत सारे सवाल इसलिए करूंगा कि साहब की पर्सनालिटी इतनी है कि आप इनके एक एक आर्टिकल देख सकते हो जिसमें सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी सरकार पर उनके अड़ियल रवैये के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। सीधा एक पढ़े लिखे एक पत्रकार भी है, पूरे तीखे प्रहार कर रहे हैं। दोस्तों, इन्होंने जंतर मंतर पर पूरी कोशिश की है, रामलीला मैदान पर पूरी कोशिश की है, रेवाड़ी में पूरी कोशिश की है और सभी सैनिक संगठनों को एकजुट करने की भरपूर कोशिश की है। और इस व्यक्तित्व की धनी कैप्टन बालकराम शर्मा साहब का मैं स्वागत करता हूं अपने सैनिक जीवन चैनल में। साहब धन्यवाद। उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन की बात कही है, उन्होंने इक्वल एमएसपी की भी बात अब करने लगे हैं, वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों की बात करने लगे हैं, यानी उन्होंने अभी पिछले एक महीने पहले तीन मुद्दों को और अपने पोर्ट जोड़ा है और उसकी वो घोषणा जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आती है तो हम डिसेबिलिटी का जो अंतर है वो कम करेंगे, पैसा देंगे, इक्वल एमएसपी की भी बात कही है, दबे सुर में कही है, वन रैंक वन पेंशन की तो उन्होंने खुले में कहा है कि हमने फरवरी 2014 में हमने जो ड्राफ्टिंग की थी और उसके हिसाब से 5.5 हजार करोड़ रुपए खर्चा है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री ने भी जी ने इसको स्वीकार किया है और वो बढ़ते बढ़ते 1,00,000 करोड़ तक पहुंच गया। उसके ऊपर भी काफी उन्होंने वीडियो अपना वायरल किया, हम आपको साइड में दिखा सकते हैं, आपने दोपहर में भी देखा होगा। तो क्या हम अभी कांग्रेस के साथ जवान उम्मीद नहीं कर सकते, क्या कांग्रेस फिर हमारे साथ छल करेगी? क्यों, ये राजनीतिक श्रेय है, मैं इसके ऊपर भरोसा करना काफी मुश्किल समझता हूं क्योंकि इसके भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर ये बातें, अगर जो हमारे एक साल से हमारा धरना जंतर मंतर पर रिवाड़ी या रामलीला मैदान में हुआ, ज्ञापन दिए गए, तो आज तक इन्होंने इस आवाज को बुलंद नहीं किया। सैनिकों के साथ में जो है इन्होंने कंधे से कंधा नहीं मिलाया और इसको जो है इस आवाज को बुलंद नहीं किया, तो मैं इसके ऊपर विश्वास पूरा नहीं कर सकता हूं। हो सकता है करे या ना करे, परंतु जब सत्ता में सत्तासीन हो जाते हैं तो उसके बाद इन बातों को भूल जाते हैं, फिर वो लटकाने लग जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं, तो मैं इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं करूंगा। विश्वास ये है कि यानी जो सैनिक जवान जो है बात करेगा, मैं उसके ऊपर जरूर विश्वास करूंगा कि वो सैनिक जो है कभी झूठ नहीं बोलता है, परंतु जो अफसर जो है और कांग्रेस के बीच में जो जुड़ करके इस बातों को कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर जो है पूर्ण विश्वास नहीं करता हूं। और जिन्होंने जो डिसेबिलिटी के लिए किया, एमएसपी की बात की है जो है, तो इन्होंने पहले क्यों नहीं आज आवाज को बुलंद किया? अभी जो है इलेक्शनों के बीच में नजदीक आगे हैं, तो इनके बीच में श्रेय लेने के लिए जो है, जनता को मोल्ड करने के लिए जो है, इन्होंने ये अपनी बातें रखी है ताकि देश का सैनिक जो है घूम जाए और हमारी पार्टी सत्ता में आ जाए। परंतु कंपटीशन हो चुका है और देखते हैं होता है क्या, परंतु अगर जो है ये एफिडेविट के साथ में जो है हमारी इन शर्तों को पूरा करते हैं तो हो सकता है सैनिक साथ दे सकता है, परंतु अगर एफिडेविट के बीच में लिखित रूप में नहीं देते हैं तो हम इसका विश्वास नहीं कर सकते हैं। और दूसरे जो है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि हमने जो है हमें जो है जब कांग्रेस ने इसका वन रैंक वन पेंशन के लिए 5.5 लाख करोड़ जो है पैसा दिया था, हमने 65,000 करोड़ दे दिया, 70,000 दे दिया, 100 करोड़ रुपया दे दिया, तो वो जो है किसको दिया, कहाँ दिया, उसका कोई हवाला नहीं है। तो ये जो है सारी बातें राजनीतिक बातें हैं, ये राजनीतिक बातों से ही दुनिया को गुमराह किया जाता है, आर्थिक आधार पर जो है जनता को नहीं देखा जाता, सिर्फ जो है धन्ना सेठों को देखा जाता है,
उसके और दूसरे धार्मिक आस्था के बीच में दुनिया को छड़ाया जाता है, चाहे वो कोई भी बात हो। धार्मिक आस्था को लेकर के इस आड़ के बीच में जो असल मुद्दे होते हैं उनसे भटकाया जाता है। जैसे अभी जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज ने जो है लखनऊ बॉन्ड के ऊपर जो है बंद किया था, तो वो उसके ऊपर जो है अभी उन्होंने पूरी धांधली शुरू कर दी है। दूसरा, उन्होंने ईडी के अध्यक्ष को हटाया गया जो है, तो वो भी बहुत बड़ा स्कैम था, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था जो है, परंतु जनता को नहीं पता है। तो इसलिए देश की जनता जो है, आम जनता जो है, गरीब लोग जो है, वो इन बातों से छलित होकर के रह जाते हैं। और ये सत्ता वाले जो है ऐसी गुमराह भाषणबाजी करके जो है हमारे को जो है छलने का काम करते हैं और सत्ता हथिया लेते हैं। सत्ता हथियाने के बाद जो है कोई भी आगे ऐसी कार्रवाई नहीं होती है जो ठोस कार्रवाई हो। फिर कहते हैं कि हमने जो है आपको जो है आगे बारी बारी से जो है हमने जो घोषणा की थी उनको स्मैश पेपर देंगे। तो इन बातों के बीच में गुमराह करते करते अपना अरसा निकाल देते हैं। जब अरसा निकल जाता है, समय आता है, तब फिर घोषणाएं शुरू कर देते हैं। जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी या केंद्र सरकार ने जो है 10 साल निकाल दिए हैं, परंतु वन रैंक वन पेंशन, हमारी छठे वेतन और सातवें वेतन की जो विसंगति है उनके ऊपर जो है उन्होंने बातचीत करना भी मुनासिब नहीं समझा। ये बड़े दुख और विडंबना की बात है। हमें बड़ा अफसोस होता है कि एक देश के बीच में खास पद के ऊपर बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री, देश की सत्ता चलाने वाले जो है, वो भी इतना झूठ का सहारा ले रहे हैं कि नहीं जो है हमें इस बात का बहुत दुख होता है कि नहीं ऐसा बड़े पद पर रहकर के जो है इन बातों को नहीं सुना जाता है। दूसरे, हमारे जो है राष्ट्रपति है जो है हमारे एक कमांडर होते हैं, बड़े कमांडर, सर्वोच्च कमांडर होते हैं, परंतु वो भी अपने इस बात को सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं जो है, और उन्होंने भी हमारी बात को नहीं सुना है। उनको भी ज्ञापन दिए गए परंतु उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी है। जय हिंद दोस्तों, जैसे कैप्टन बालक राम शर्मा साहब ने कहा है, अब जवान आप किसी का मोहताज नहीं रहेगा। उसको वहां के सेना के अधिकारियों ने गुमराह किया, उनको ठगा, उसके नाम पर अपनी ओआरओपी बनाई, अपनी एमएसपी बनाई। सरकार ने जवानों के नाम पर ओआरओपी दी, उसका प्रचार प्रसार किया, वोट और सहानुभूति पकड़ी, लेकिन जो जवानों को ओआरओपी मिलनी थी वो नहीं मिली, जवानों को डिसेबिलिटी पेंशन मिली। जवान जैसे है कि वैसे ही है। आप समझ सकते हो, आपका हर 5 साल बाद ओआरओपी है और मामूली सी 1,000-1,500 रुपए सिपाहियों के बढ़े, जेसीओ की कम हुई है। और आपने देखा होगा ओआरओपी 2 में इसका तमाशा देख लिया, अभी बचा हुआ आपको ओआरओपी 3 में देख जाएगा। अब ये आपकी लड़ाई है, अपनी लड़ाई है, और आप पिछलग्गू बन के नहीं सकते, आपको आगे आना होगा। और उसका आगाज हो चुका है, आगाज चाहे आपने सैनिकों को देखा होगा हाईकोर्ट में एमएसपी केस लड़ रहे हैं और रोडों के ऊपर लड़ रहे हैं, जंतर मंतर पर लड़ रहे हैं, चाहे वो रामलीला मैदान से अपनी आवाज उठा रहे हैं, चाहे उन्होंने ताल ठोक दिए कि मोदी जी के सामने चुनाव लड़ेंगे, या एक हमारी पार्टी खड़ी हुई है जिसको बोलते हैं जय जवान जय किसान पार्टी, जिसमें आपने देखा होगा, मैंने अपने नारायण अंकुशे हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष वीर सिंह चौहान है, पूरा अपना आप पूरा मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, आप इस बात को इतने गंभीरता से लेना है कि आप अभी अपने हकों को जानना सीख गए हो, मांगना सीख गए हो, और आपको छीनना भी सीखना होगा। और इसके लिए एकजुटता जरूरी है, सहयोग जरूरी है, आपसी सहयोग जरूरी है, और ये सहयोग इतना आसान नहीं है, आपको कोई एकजुट होने नहीं देगा। आपने देखा होगा देश की राजनीति में कितना सरकारी यंत्र तंत्र का आपने दुरुपयोग देखा होगा, ईवीएम देख लो, ईडी देखो, इलेक्ट्रिक बॉन्ड देख लो, यहाँ सब लोग असहाय और मजबूर हैं, यानी साम दाम दंड भेद लगाकर ये सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने निहित स्वार्थ के लिए डटी रहती है। न उन्हें जवानों की परवाह, न किसानों की परवाह, न बेरोजगार की परवाह, परवाह है तो सिर्फ यानी उन लोगों की है जो कि बहुत बड़े धनाढ्य हैं, एलिट फैमिली हैं, उनकी परवाह है, ताकि वो इकोनॉमी कंधे से कंधा लगाकर यानी हमारे नेताओं की जेब भरते हैं। और ये सारी बातों को लेकर हमारे साथ कैप्टन बालकराम शर्मा साहब। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं साहब, हमारी वन रैंक वन पेंशन की कोशिश हो या डिसेबिलिटी पेंशन की कोशिश हो या आपको इक्वल एमएसपी की कोशिश हो, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो जवानों की हैं। अब जवान सीधे सीधे राजनीति में कूद गए, जैसा कि आपने कहा है कि इस सरकार की देने के एक जय जवान और किसान पार्टी का उदय हुआ है। आप उस पार्टी के बारे में और उन जवानों को क्या क्या कहना चाहते हो? आखिर हमारी क्या कमी है कि एक जो सरकार है हमारी 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी की मांग को स्वीकार नहीं कर रही है?
आगे आगे हमें और क्या करना चाहिए इसके ऊपर आप हमारे सभी दर्शकों को बताइए सर, क्या प्लानिंग है? सैनिकों को जय हिंद, राम राम। मैं देश में सैनिकों को ये बताना चाहता हूँ कि यानी है हमारा जो वन रैंक पेंशन और छठे वेतन और सातवें वेतन आयोग की जो विसंगतियां थी उनकी एनुअल थी, उनके बारे में जो है देश के बीच में सैनिकों ने अपनी आवाज उठाई और दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। दिल्ली रामलीला मैदान में भी धरना प्रदर्शन किया, रेवाड़ी में भी किया, लेवल पर विधायक लेवल पर ज्ञापन भी दिए, परंतु केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय ने हमारी एक नहीं सुनी। ये देश के बीच में सैनिकों का अपमान है, तुहीन है, और इस अपमान और तुहीन के लिए जो है सैनिक आज जो है इस राष्ट्र और राष्ट्र के तो एक आवाज बुलंद करनी पड़ी, क्योंकि केंद्र सरकार को अगर जवाब देना है तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। हमने हर अंतकंडा अपनाया, परंतु हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तो अभी हमारे सैनिकों ने अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आगे आने जो है सैनिक जो है सैनिकों ने एक नई पार्टी को जन्म दिया, को जन्म देने की भूमिका निभाई है केंद्र, क्योंकि उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना। तो इस बात से जो है देश का सैनिक नाराज होकर के आक्रोशित होकर के जो है आगे बढ़ चुका है और जाग गया है। तो उन्होंने जो है एक नई पार्टी को दिया है जिसका नाम है भारतीय जवान किसान पार्टी। तो मैं देश के सैनिकों से आह्वान करना चाहता हूं कि यानी देश के सैनिकों जाग जाओ, आज वक्त है, अभी नहीं। परंतु आज जो है भारतीय जवान किसान पार्टी जो आगे बड़ी है, जिन्होंने ऐलान किया है, मैं सभी देश के सैनिकों से, नारियों से, विधवाओं से बिना मन अपील करता हूं कि आप सब लोग जो है भारतीय जवान किसान पार्टी का साथ दें और समर्थन करें। अगर कोई इलेक्शन लड़ता है हैं, वो आगे बढ़ करके अपने खुले मन से जो है आगे बात करें और उसको जो है उसके साथ जोड़ा जाएगा, उसको टिकट दिया जाएगा और उसको सहयोग और समर्थन दिया जाएगा। तो इसके लिए जो है सभी के सैनिकों से विनम्र अपील करता हूं कि नहीं जो है केंद्र सरकार के जो अड़ियल रवैया था, हठीला रवैया था, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हमारी आवाज को नहीं सुना, हमारे साथ बातचीत करनी मुनासिब नहीं समझी। तो इसके लिए जो है अभी देश का सैनिक जो है आगे बढ़ना चाहता है, अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है। अभी 3 मार्च को जो है दिल्ली जंतर मंतर पर जो है सैनिक जो है आवाज को मांग को लेकर जो है अपनी बात रखना चाहते थे, परंतु पुलिस का दल बल के साथ में जो है बैरिकेडिंग लगा करके जो है सैनिकों को जो है कैद किया, बच्चों के बीच में जगह जगह दिया गया जो है ताकि जो है इनको कोई भी इनकी बात ना सुनी जाए और इनको जो है तोड़ मरोड़ दिया जाए जो है। तो देश के बीच में जो है कानून व्यवस्था बहुत ही लचर हो चुकी है जो है। इसके लिए जो है हमारे देश सैनिक जो है अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है, उसके पास एक आता है कि अभी राजनीतिक के बीच में जो कूद कर जो है अपनी आवाज को बुलंद करे। इस बीच में जो है मैं जो है एक बात और करना चाहता हूं कि नहीं जो है अभी जो है देश के है इतना भ्रष्टाचार अत्याचार हो रहा है जिसके लिए जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसके लिए जो है हमारे जो है जो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हैं जो है, उन्होंने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, उनके फैसले जो है ऐतिहासिक इतिहास के बीच में। तो मैं उनको भी बधाई देता हूं कि जो है चंद्रचूड़ जी ने जो है जो फैसले लिए वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं लोकतंत्र की हत्या नहीं होने दूंगा। तो जो है इसके लिए जो है मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने जो है जो फैसले लिए हैं, अभी जो है वो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के ऊपर फैसला दिया था उसके लिए भी साजिश रची गई जो है, क्योंकि आपको फैसला देना था परंतु उसके 2 दिन पहले ही SBI ने जो है अपनी डेट को आगे बढ़ा दिया और जो है मांग रख ली जो हम 6 मार्च को जवाब नहीं दे सकते और उन्होंने जून तक जो है अपना आवाज अपना जवाब देने के लिए समय मांग लिया जो है। ये एक भ्रष्टाचार है, एक बड़ा स्कैम है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हो चुके होंगे और सारी कार्रवाई को दबा दिया जाएगा। ये एक बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा स्कैम है जो है। तो मैं रिपीट करता हूँ कि इस प्रकार से जो है नहीं होनी चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जो अभी उन्होंने दूसरा फैसला लिया था जो ED
जो असाधारणी तरीके से उनको लगाया गया था और रिटायर हो चुके थे, दोबारा उनको नियुक्त किया गया जो है वो भी असाधारणी था। तो इसके लिए जो है मैं ये कहना चाहूंगा कि यानी जो है इस प्रकार की जो उन्होंने फैसले लिए वो ऐतिहासिक है और इतिहास के बीच में जो है गूंजते रहेंगे, ये आवाज बुलंद रहेगी। जैसा कि दोस्तों कैप्टन बालकराम शर्मा साहब ने कहा है कि हमारी अब मजबूरी नहीं है, इस देश को जरूरत पड़ गई है कि सैनिकों को आगे आना होगा, देश की व्यवस्था के लिए आगे आना होगा, अपने हकों के लिए आना होगा, सामाजिक न्याय के लिए आगे आना होगा। अब सैनिक पीछे रह करके काम नहीं करेंगे, जब रिटायर्ड होने के बाद उन्हें मुख्य धारा से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने सारे हथकंडे अपना लिए। ये सरकार इतनी एरोगेंट है, इतनी अहंकारी है कि वो लोकतंत्र की हत्या कर सकती है। जैसे कि उन्होंने हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने कहा है कि किसी भी हालत में और किसी भी हालात में हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, या सरकार अपने सरकारी यंत्र और तंत्र का जो दुरुपयोग करके अपनी मर्जी कर रही है और उसके ऊपर हम जरूर अंकुश लगाएंगे। तो साहब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अब सैनिक चुनाव, जैसा कि चुनाव आ गए, क्या सैनिकों के लिए कोई उम्मीद बाकी है? क्या गवर्नमेंट ये वन रैंक वन पेंशन थ्री में कोई बदलाव करेगी? क्या ये गवर्नमेंट दोबारा आती है? क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट के आने की पूरी संभावना है, तो जवानों को इनकी कहते हैं इनके रहम करम पे ही रहना पड़ेगा या और कोई तरीका है अपनी बात को मनवाने का? सर मैं कहना चाहूंगा कि इसके बीच में जो है सरकार के पास अभी भी 2-4 दिन या 10 दिन 15 दिन का समय है। अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो जो है इसके बीच में जो है सैनिकों को फायदा दे सकते हैं, और जो आवाज सैनिकों की आवाज उठी है देश के बीच में जो है उस आवाज को जो है धीमा कर सकती है, क्योंकि हमारे देश के बीच में सैनिकों के बीच में भारी नाराजगी है, क्योंकि उन्होंने अपनी जायज मांग के लिए जो है अपने अनुशासन के बीच जो है काम किया है और हर धरना प्रदर्शन जो भी ज्ञापन दिए वो बिल्कुल अनुशासन के बीच में दिए। तो केंद्र सरकार हमारी उस अनुशासन प्रथा को है कुचलने की कोशिश की और जो है अपना ढीला रवैया अपनाया, जिसके कारण जो है देश के बीच में पार्टी को जन्म हुआ, भारतीय जवान जन पार्टी जो है। तो अब आखिरी उम्मीद यह है कि जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती है तब तक जो है हमारे सैनिक जो है अपने तरीके से देख रहे हैं। अगर नहीं कोई विधान होता है तो लोकसभा चुनाव के बीच में हमारे सैनिक है भारतीय जवान किसान पार्टी के साथ में खड़ा होगा और आने वाले समय के बीच में केंद्र सरकार को जो इसका जवाब दिया जाएगा, ये सैनिकों ने ठान लिया है। दूसरा मैं कहूंगा ईवीएम के बारे में जो है देश के बीच में लोकतंत्र की भ्रष्टाचार है, स्कैम है। मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि यानी अगर जो है सरकार जो है ईवीएम को हटा देती है तो और चैलेंज के साथ आगे आती है तो बेल्ट पेपर से चुनाव कराए और फिर 400 पार को करके दिखाए। अगर फिर 400 पार होते हैं तो हम नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, चरणों में सलूट करेंगे जो है उनके सामने सलूट करेंगे कि यानी आप लोग जो है ये वाकई जो है आपके बीच में वो ताकत है। परंतु भ्रष्टाचार होना जो है बहुत ही देश के लिए घातक है, इसके बीच में जो है ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ के लिए जो है मैं भी इसके लिए भी विनम्र अपील करूंगा जो है। तो इसके लिए भी देश के जनता को जागना होगा, सैनिकों को जागना होगा। और अंत में साहब आप कुछ हमारे व्यूअर्स को मैसेज देना चाहते हो तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं देश के सैनिकों से अब विनम्र अपील करना चाहता हूं कि अपनी देश की एकता की मिसाल को कायम रखें। इसके लिए मैंने 11 मार्च 2024 को जो है हमारे बिलासपुर के बीच में जिला बिलासपुर के सैनिकों की मीटिंग है और मैं देश के बीच में संदेश दिया है कि 11 मार्च 2024 को जो है सैनिक एकता दिवस के रूप में मनाया जाए और इसके लिए पूरे देश के इस मुहिम को चलाया जाए और हर साल जो है इस मुहिम को जो है 11 मार्च 2024 है जो है इसको 11 मार्च के रूप में जो है ऐतिहासिक बनाया जाए और सैनिकों की एकता की मिसाल बने जो है। इस 11 मार्च को जो है अभी आने वाले समय के लिए हमने इसकी स्थापना कर दी है, इसकी घोषणा कर दी है और मैं देश के सैनिकों से विनम्र अपील करता हूं कि यानी आप से जो है जाग जाएं और सैनिक एकता दिवस के रूप में 11 मार्च 2024 को जो है पूरे देश के बीच में अपने वीडियो बनाकर फोटो बनाकर के अपना संदेश दें, चाहे वो शहीद स्मारक हो या जिले के बीच में, राज्य के बीच में, जहां कहीं उपयुक्त स्थान हो वहां पे जो है अपने अपने वीडियो फोटो डालकर जो संदेश दें और सैनिक एकता मिसाल दें। तो 11 मार्च जो है 2024 जो है पूरा देश के बीच में गूंज उठनी चाहिए कि यानी पे देश का एकता एक हो चुका है, एकता की मिसाल बन चुकी है
और आगे बढ़ना चाहिए। और जो आगे आने वाले समय के बीच में जो है जो हमारी भारतीय जवान किसान पार्टी बनी है उसका सहयोग और समर्थन करें, ये मेरा विनम्र निवेदन रहेगा देश के सैनिकों से। देखो दोस्तों, आपने सुना जबरदस्त पहले, मैं कहता हूं स्वर्णिम पहले कि आपको 11 मार्च का दिन याद रखना होगा। और 11 मार्च के दिन याद क्या है, वो सैनिक एकता दिवस की उन्होंने घोषणा की है कि हर साल आपको 11 मार्च को कम से कम सब जितने भूतपूर्व सैनिक हैं किसी न किसी एक जगह पर इकट्ठे हो सकते हो, कोई सैनिक संगठन के नाते हो सकते हो या किसी आप शहीद स्मारक में हो सकते हो, ताकि सरकार को मैसेज जाए कि ये सैनिक एकता दिवस। और जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में होगे तो भारत देश के सभी सैनिक एक यूनिफॉर्मिटी यानी एक दिन ये जरूर सोचेंगे और इसलिए होंगे कि आखिर हम कहाँ हैं, हमारा हक कहाँ है, हमारा हक कौन दिलाएगा, हमें ये कसमें खानी होगी और सरकार के सामने अपनी बात रखनी होगी, समझना होगा, जानना होगा, पहचानना होगा और एकजुट होना होगा। ये इस अपील का मैं आपका सलूट करता हूँ, जबरदस्त अपील है और हम इसको जरूर फॉलो करेंगे और सभी अभूतपूर्व सैनिक जरूर इस बात को याद रखना। धन्यवाद।